अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की स्वीट डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है डिलीशियस क्रीमी डिज़र्ट। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्रीम ली है मैंने टेट्रा पैक 2 अदद, मैरी बिस्किट लिया मैंने 2 पैकेट, एक पैकेट को मैंने क्रश कर लिया है और एक पैकेट वैसे ही है, चीनी लिया मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, चेरी लिया मैंने 2 अदद, जूस लिया मैंने 1 कप, फ्रूट मिक्स का डिब्बा लिया मैंने 1 टिन लिया है और इसी में से जो जूस मैंने निकला था वही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रीम को हम मिक्स करेंगे। उसके लिए पहले क्या करेंगे, क्रीम लिया मैंने, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपनी शुगर, मैंने डाल दी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब चीनी हमारी थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा जूस ऐड करेंगे। ये देखिए क्रीम हमारी तैयार हो रही है, इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई, जूस भी मिक्स हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। सबसे पहले हम एक क्रीम की ऐसे लेयर लगाएंगे पतली सी, इसको ऐसे पतली सी लेयर लगाएंगे, इसको ऐसे सारा सेट कर लेंगे एक जैसा डिश में। हो गई है। अब जो मैंने बिस्किट लिए थे इसको ऐसे मैं जूस के अंदर डिप करूंगी ऐसे, और फिर ऐसे लगाएंगी, ऐसे तमाम बिस्किट को मैं ऐसे डिप कर करके डिश आउट करती जाऊंगी। देखिए बिस्किट मेरे सारे लग चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर फिर हल्की सी लेयर लगाऊंगी क्रीम की, बिल्कुल पतली पतली ब्रिक्स। देखिए बस इतनी सी मैंने इसको लगानी है। अब मैं उसके ऊपर डालूंगी सारे अपने फ्रूट्स जो मैंने रखे थे, ये आपने पूरा टीन इसी तरह ही लगा देना। इनके फ्रूट्स मेरे सारे देखिए कितने अच्छी तरह से मैंने लगा लिए। अब मैं उसके ऊपर लगाऊंगी अपनी क्रीम, अच्छी सी लेयर लगाऊंगी अब क्रीम के ऊपर मैं, ये देखिए ऐसे आपने भी ऐसे भर भर के लगानी है क्रीम। ये देखिए क्रीम की मैंने कितनी अच्छी लेयर लगा ली है, बिल्कुल अच्छी तरह चार देखे आ रही है लेयर। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जो अपना मैंने बिस्किट का ये चूरा किया था, क्रश किया था, ये देखिए इसको अच्छी तरह से पूरी डिश में ऐसे आपने लगाना। ये देखिए बिस्किट कितना अच्छा ऊपर सारा इसका क्रश किया हुआ लग गया है। अब इसके ऊपर जो मैंने 2 अदद चेरी ली थी वो ऊपर रखूंगी, ये देखिए ऐसे भी ऐसे। हमारा डिलीशियस क्रीमी डिज़र्ट तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, फिर मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।